छतरपुर के 6 अक्टूबर को ओरछा रोड थाना अंतर्गत ग्राम कैडी में हाईवे पुल के पास एक युवती मथुरा बाई यादव पति मिजाजी यादव का शव बरामद हुआ था। मृतिका के पति मिजाजी की शिकायत पर ओरछा रोड थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सचिन शर्मा मौके पर पहुंचे और एसआईटी का गठन कर जांच पड़ताल के निर्देश दिए। विवेचना के दौरान संपूर्ण तथ्यों की सूक्ष्मता से जांच उपरांत मृतिका के पति मिजाजी के कथनों की तस्दीक दी तो मिजाजी पर संदेह पैदा हुआ। तस्दीक में यह पाया गया कि घटना की सूचना फरियादी मिजाजी द्वारा करीब 1 घंटे बाद ग्राम कैंडी के लोगों को दी गई। जब पुलिस द्वारा 1 घंटे विलंब से सूचना देने का कारण जानना चाहा तो मृतिका का पति मिजाजी घबरा गया। जब उससे तथ्यात्मक प्रश्न पूछे गए तो बार बार मृतिका के पति का बयान बदलना सामने आया। एसआईटी टीम द्वारा जब प्रश्नोत्तरी तैयार करके प्रश्न पूछे गए तो मिजाजी द्वारा घटना कारित करना कबूल कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने आज पुलिस लाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए बताया कि अनंतः फरियादी पति ही पत्नी का हत्यारा निकला। हत्या की वजह बताते हुए एसपी छतरपुर ने कहा कि पति अपनी पत्नी पर शक संदेह करता था और दूसरा प्रॉपर्टी चल अंचल संपत्ति को लेकर भी वह पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था। पत्रकार वार्ता के दौरान एडिशनल एसपी विक्रम सिंह, सीएसपी लोकेंद्र सिंह, ओरछा रोड थाना प्रभारी अभिषेक चौबे, सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। सूचना मिली कि एक महिला हाईवे पर टेढ़ी जिसके पास में उसकी लाश मिली। इसके बाद मैं उसके पति के शिकायत के आधार पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया था। अपराध का नाम हमारा टॉपिक बाइक में धाराएं सर पीते हुए दो तो चौहान में तीन सौ चौबीस हाई किसी की उसमें अपराध पंजीबद्ध किया। इसमें सर आपके द्वारा सर टीम बनाई गई थी एस आई टी का गठन किया गया था। उसमें सर लगातार जो बातें सामने आई थी, जो तथ्य सामने आए थे उसके आधार पर विवेचना की गई थी। उसके बाद सर विवेचना में प्रथम दृष्टया सर इसके पति के ऊपर जो लगातार इसके बयान चेंज हो रहे थे, इसकी जो बातें आ रही थी सर हर बार चेंज करते आ रही थी, पर बस जो बातें बताता था वो अलग अलग दिशा में जाती थी। इसी के आधार पर सर टीम के द्वारा इसके इससे एक क्वेश्चन तैयार करके सर उसके क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें सर ये क्लियर नहीं कर पाया कि हर बार जो बातें बताता था वो उसमें कोई तथ्यात्मक प्रमाण दे सके। इसी के आधार पर सर जब इसमें सर हिम्मत अवली का प्रयोग किया गया जिसमें इसके द्वारा बताया गया कि ये जो मर्डर है इसके द्वारा किया गया था, इसमें सर पूर्व से सर इसने योजना बनाई थी और योजना के आधार पर सर जब ये अपनी पत्नी को घर दे के आ रहा था छतरपुर, तब सर हाईवे पर बाथरूम करने के दौरान सर ये जब रुका तब इसने अपनी पत्नी को मारा और फिर वहाँ से भाग गया। वैसे शिकायत थी और अपराध पंजीकृत करवाया था। इसके द्वारा सर मारने के बाद जो भी पत्थर और डंडे वगैरह जो प्रयोग किए थे वहाँ घटना सर से मिले थे और मेमोरेंडम पे जब्त किए गए थे, उसमें कट्टा भी जब्त किए गए, पत्थर जब्त किए गए जिसका यूज किया गया था मारने में। तो इसमें इसके द्वारा कुछ तथ्य इस तरीके से बताया गया था जिससे कुछ जो उसका मंगलसूत्र था वो छुपा दिया गया था जिससे ये घटना को चेंज कर सके और लूट के और उसको ले जाया जा सके। इसमें सर ओरछा रोड टीम के द्वारा सर आपके निर्देशन में सर अच्छा काम किया गया और पकड़ा गया। सवाल